इसलिए मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए। वैसे भी ये चल चल के ना, आय हाय पसीने की बदबू। Stop it, disgusting। वाह, ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में ठंड पड़ गई हो। इतने अरसे के बाद मैंने आपके मुंह से डिस्गस्टिंग सुना है ना सासू मॉम, कसम से मजा आ गया। वरना मेरे पेट का खाना ही हजम नहीं होता था, दिन भर टॉयलेट पे पेट पकड़ के मैं आई एम सॉरी, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ मैं आपके साथ। छोड़िए ये सर, चलिए मुझसे लिफ्ट ले लीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक बार आपकी बेटी ने मुझे लिफ्ट दी थी, आज आप मुझसे ले लीजिए। ये समझ लीजिएगा कि हिसाब बराबर हो गया। Come on, सासु माम, give me one chance। मैं आपका जमाई हूँ, अपनी सासु माम के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। Don't you dare call me that। मैं तुम्हारी सासु माम नहीं हूँ। ऐसा बोले तो फैक्ट थोड़ी बदल जाते हैं। सासु माम, एक बात कहूँ, गुस्से में ना आप अपनी बेटी की तरह फुल पावर पटाखा लगती, लेकिन इस उम्र में गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एसिडिटी। शट अप, समझते क्या तुम अपने आप को? आपका जमाई सासु माम। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे सासु माम, जब आपको अंत में आके मेरी गाड़ी में बैठना ही होता है तो शुरू में इतने नखरे क्यों दिखाती हैं? नहीं मतलब पिछली बार भी आपने इतना एटीट्यूड दिखाया, फिर आके ऑटो में बैठ गई, आज गाड़ी में बैठ गई। हर बार रो धो के आपको बचाने के लिए मैं ही पहुंच जाता हूँ। नहीं हाँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। सीटी बजाना बंद करोगे? इस ब्लडी मिडिल। वैसे माँ के लिए बच्चे कभी नहीं बदलते। मैं कल भी मिडिल क्लास था, आज भी मिडिल क्लास हूँ, और हमेशा मिडिल क्लास रहूंगा आपके लिए सासु माँ। आदतें सासु माँ, आदतें बड़ी कमीनी चीज होती हैं, कितना भी छोड़ना चाहो छूटती नहीं। मुझे देख लीजिए, मुझे आदत पड़ गई है आपकी डांट की, आदत पड़ गई है रोशनी के प्यार की। बाप, अपने दिल पर हाथ रख के सच बताइए, क्या आपको मेरी आदत नहीं पड़ी? वहां लेफ्ट में घर रोक। थैंक यू। आई एम योर फैमिली सासू मॉम, फैमिली में नो सॉरी, नो थैंक यू। डोंट ट्राई हार्ड सिद्धार्थ, तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इन बातों से रोशनी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। बेमतलब सासू मॉम, बेमतलब। चलो ठीक है, रोशनी मुझसे गुस्सा है, मुझे समझ में आता है। आप क्यों बीच में चौधरी बन रही हैं? टेक अ चिल पिल सासु माम। पिछली बार जब आपने मुझे धमकी दी थी सासु माम, तो आपकी बेटी मेरी दुल्हन बन गई थी। इस बार धमकी दे रही है, कुछ अच्छा ही होगा। रोशनी मेरे पास आएगी सासु माम, और आप उसे लाएंगी मेरे पास। ये एक जमाई का वादा है अपनी सासु माम। Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you क्योंकि आप शर्मिंदा कर रहे हैं। एक बात कहूँ सर, आप जैसे जमाई अगर हर घर में हो तो आधी सास बहू के झगड़े तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। सर, आप बस इस बात का खास ख्याल रखें कि इस बारे में सासू माम को पता ना चले कि मैंने ये सब कुछ। सर आप, तुम्हें क्या लगता है पैसे देकर तुम सबको अपनी तरफ कर लोगे? सासू माम देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं नो सिद्धार्थ, नॉट एट ऑल। मैं जो कुछ समझ रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मेरी माँ को अपने झांसे में ले सकते हो, मानती हूँ, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये लोन रीपे करके तुम करना क्या चाहते हो? जिस दिन तुम्हें मौका मिलेगा ना, यू विल यूज इट अगेंस्ट मी। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली सिद्धार्थ, प्लीज। और रोशनी को तो तुम्हारे करीब आने ही नहीं दूंगी।
आप मुझे गलत समझ रही हैं। फिर से मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि आप लोग मेरे लिए सब कुछ हैं। आप लोग मेरा परिवार है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी को फंसाना चाहता था। ये रुपया, ये पैसा, ये सब कुछ, ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। सासुमा, आप मेरे लिए मायने रखते हैं, मेरा परिवार। तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो और ना ही कभी हो सकते हो। मैनेजर साहब, ये लोन मैं ही चुकाऊंगी, ओके? हमारे एंड से तो ये सेटल हो चुका है, हम पेपर्स भी रेस कर चुके हैं। अब ये आप दोनों के बीच का मामला है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारी पाई पाई सूद समेत नहीं चुका देती। रोशनी, मैं जो भी आज कहने वाला हूँ वो मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, पर कभी मौका ही नहीं मिला, और मिला भी तो। यश, हुआ क्या है? I'm really worried. रोशनी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, we've been best of friends. शायद तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो भी हमने वक्त साथ गुजारा है, था वो सारा तो पर मेरी जिंदगी बदल गई है। And I think it's time for me to wear my heart on my sleeve. I love you. शायद तुम्हारे लिए बहुत अजीब है, बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात जाहिर नहीं करता तो मैं अपने आप के लिए झूठा हो जाऊं। मैं ये जानता हूं कि तुम अपने बीते हुए कल से जूझ रही हो, लेकिन उसे बीते हुए कल से बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें मूव ऑन करने की जरूरत है, एंड यू नेवर नो, यू एंड आई कुड हैव समथिंग इन स्टोर फॉर अस। रोशनी, मैंने तुम्हें प्रपोज जरूर किया है, लेकिन तुम उसका जवाब मुझे अभी दो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो जरूर, और मुझे एक मौका दो कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा सकूं। और जब तक तुम डिसाइड नहीं कर लेती, इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रखें, और चाहे तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, एक बात जरूर याद रखना, हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। I love you, रोशनी। यश के बारे में सोच रही, मैं जानती हूं उसने तुम्हें प्रपोज किया। दोस्ती को रिश्ते में बदलने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। हर्ज कैसे नहीं है मॉम, वो भी ऐसे टाइम पे जब मैं ऑलरेडी एक टूटे रिश्ते से उभर नहीं पा रही। मैं आई डोंट नो इफ इट्स राइट। नो, यू आर राइट। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हें डिसीजन लेने में मदद कर रही हूँ। पूरी जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे। और फिर देख, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि यश बहुत ही अच्छा लड़का है, यू नो दैट। हाँ या ना, जो भी डिसीजन लेना ना बेटा, ठंडे दिमाग से ले। बस मरते वक्त मैं अपनी बच्ची को खुश और सेटल देख के जाना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप नानी की तरह क्यों बात कर रही हो? तो क्या करूं, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है ना मेरी। Sam, I've really missed you. I keep thinking about you all the time. मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के करीब भी आने की? ये घर मेरा है, ये बेटियां मेरी हैं। आज के बाद इस घर में और लड़कियों के पास भी नजर आए ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। एंड दिस इज अ प्रॉमिस नॉट अ थ्रेट, ओके? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इस कमीने घटिया इंसान को तुम लोगों ने अंदर आने दिया? दिमाग खराब हो गया क्या सबका यहाँ पर? रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए मामी जी। रोशनी सिद्ध से आए दिन मिल लेती है, लेकिन अगर राजवीर को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें प्रॉब्लम है, नॉट फेयर। तुम पागल हो गए समायरा? सब लोग कान खोलकर सुन लें और ये बात मन में बिठा लीजिए। उस घर का कोई भी इंसान, एंड आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी इंसान इस घर में अलाउड नहीं है। उस घर के लोगों को मैं सिर्फ एक ही नजरिए से देखती हूँ, धोखेबाज एंड अपॉर्चुनिस्ट। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनेंगी, ये हमारे लिए फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। जानता हूँ कुछ हुआ था आपके बिजनेस, होता है, सब चलता है, लेकिन उससे आपकी काबिलियत तो बदल नहीं जाएगी ना। वाह, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कल से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। आपकी कंपनी को किसी ने टेक ओवर किया, अखबार में पढ़ा था मैंने, पर उसमें उस कंपनी का नाम नहीं लिखा था। फिलहाल के लिए अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारी डिटेल सबको आने वाले समय में पता चली जाएगी। सी यू टुमारो। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे। सर आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। ओह ग्रेट, दैट्स फैबुलस। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब जो भी प्रोग्रेस हो जस्ट कीप इन द लूप। थैंक यू सो मच। ठीक बता, काम हुआ? बस डैड, समझ लीजिए काम हो ही गया। खैर वो क्लाइंट्स आ गए होंगे, चलिए मीटिंग करते। रोशनी वो कल वाली फाइल देना जरा। आई लव यू। रोशनी ये नहीं, दूसरी वाली। क्या हो गया, इतनी ऑकवर्ड क्यों हो गई हो? रोशनी हमारे बीच में जो भी हो दोस्ती नहीं बदलेगी, विल ऑलवेज रिमेन फ्रेंड्स। यश ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लुक एट यू, शक्ल देखिए अपनी, इतना अजीब सा बिहेव करी और कहती मैं ऑकवर्ड फील नहीं कर रही हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? आंटी मैं ऑकवर्ड हो रहा था। क्यों भाई? वो भी आपकी वजह से। वो आंटी मैं कल से सोच रहा था कि हमारे ज्वेलरी वाले नए बिजनेस के बारे में आपसे बात करूंगा, कि आप हमारी पार्टनर बनेंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं पूछ सकता, कोई और आके आपको ऑफर दे चुका है। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारे बारे में सोचा यही बहुत है। तुम रोशनी के दोस्त हो, हमारे वेल विशर हो, तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहते, नहीं तो कल मैं ही ऑकवर्ड फील करूंगी। नहीं आंटी, ये ऑफर मैंने आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप रोशनी की मॉम है, बल्कि इसलिए कि जो एक्सपीरियंस आप लेकर आएंगी और जो वैल्यू आप ऐड करेंगी वैसा कोई नहीं करेगा। मैं कितनी बार थैंक्स कहूं मैं, वो एक्चुअली मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ जॉब के साथ तो मैंने हाथ के हाथ साइन भी कर दिया। एक्चुअली ना मैं खुद ज्वेलरी बिजनेस से थोड़ा बोर हो गई थी, सोचा कुछ अलग करती हूँ। अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस का ऑफर मिला है, सो व्हाई नॉट, यू नो। वाओ मॉम, दैट्स ग्रेट न्यूज। थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स अमेजिंग आंटी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स यश। अच्छा तुम लोग कुछ काम कर रहे थे, कैरी ऑन। हेलो अनानिमा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? कौन हो तुम लोग? निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? अरे निकलो, जाओ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हेलो, कहाँ है तेरी बेटी? छोड़ो मुझे। दुर्गा देवी, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? अनानिमा, हल हल
वाह क्या आइटम है ए बुढ़िया, तेरी पोती है क्या? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अस्पताल चले माँ एक बार। नहीं दुर्गा तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आपकी यही प्रॉब्लम है, किसी भी सिचुएशन को ना सीरियसली नहीं लेती है। इस घर में गुंडे घुस आए थे माँ, अगर आपको कुछ हो जाता। जानती हूँ, लेकिन वो क्यों घुस आए थे मेरी समझ में नहीं आया। हाँ इतना जरूर लगा कि वो लोग तुझे ढूंढ रहे थे। दुर्गा फिलहाल किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है ना? नहीं मॉम, मिस्टर शाह तो नहीं है? नहीं बेटा, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ? वैसे मैंने पुलिस को बोला है कि मामले की तह तक जाएं। पता नहीं मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे, पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस वक्त। सौ बात की एक बात दुर्गा, आज हमारे जमाई सिद्धार्थ ने मुझे बचा लिया। अगर वो नहीं आता तो न जाने क्या होता। आप फिर उस लड़के के गुण गा रही हैं माँ। वो गुण गाने के लायक ही है दुर्गा। सच में सिद्धार्थ रिश्तों को निभा भी सकता है और संभाल भी सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सिद्धार्थ हमारी जिंदगी में है ना, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब रोशनी क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम नानी माँ ऑल ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली नहीं भी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी। मैं मुझे क्या होगा, मैं अच्छा खासा जवान गबरू, मैं आई एम फाइन। सिद्धार्थ एक्चुअली मैं सोच रही थी अगर हम मिल पाए तो, ओनली इफ यू फ्री, कुछ बात करनी है। कैसी बात कर रही हो रोशनी? अगर फ्री हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूं। मैं ये क्या है? अरे मुझे किस जॉब के लिए हायर किया गया? बॉसेस से एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए ना, ऐसे आप उठा के सारी की सारी फाइल्स यहाँ रख दी हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या परेशानी है? आपका बॉस आपके सामने खड़ा है। वैसे कमाल की बात है, सब कुछ चला गया लेकिन देवर अभी तक नहीं। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? निकालिए इसे यहाँ से। मैडम तमीज से बात कीजिए, ये हमारे कंपनी के नए एमडी। ये नए एमडी हैं, आपने मुझे बताया नहीं पहले? चलिए पहले नहीं मालूम था,
अब तो पता चल गया ना, क्या करेंगे आप? नौकरी छोड़ देंगी। साले साहब से जो लोन लिया है उसका क्या करेंगे आप? कैसे चुकाएंगी उसे? कौन है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठे रहिए। आंटी जी प्लीज आप बैठे रहिए। अरे थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ आंटी की हमारे परिवार के बीच में कड़वाहट है, लेकिन जैसे मैंने सुना कि आपके साथ ये सब हुआ है तो मुझे लगा कि मुझे मिलने आना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सिमरन तुम जानती नहीं हो तुम्हारा यहाँ आना मुझे कितना अच्छा लगा। परिवार के बीच मतभेद तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग दुश्मन बन गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। सो स्वीट। और वैसे भी आप तो मेरे सिर की नानी सास हैं। बिल्कुल। तो आना तो था ही मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो आना ही था। दुर्गा क्या कर रही है ये? मैं वही कर रही हूँ माँ जो मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए। उठो। अरे क्या कर रही है? निकलो यहाँ से। दुर्गा दोबारा इस घर में आई ना तो टांगे तोड़वा दूंगी मैं तुम्हारी। पागल हो गए दुर्गा क्या? ये क्या बदतमीजी कर रही है? बदतमीजी नहीं है ये माँ, ये वही कर रही हूँ जिसके ये लायक है। आपको पता है आपको गुंडों से किसने पिटवाया? सिद्धार्थ ने। नहीं मेरा मन नहीं। ठीक है मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना, रोशनी से पूछ लेना, वो भी वहीं पर। जो गुंडे आए थे इस घर में उनमें से एक आदमी आज सिद्धार्थ के ऑफिस में पैसे लेने गया। गलत, बिल्कुल गलत। मेरा सिद्धार्थ कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ वो तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं। पहले बेटा चोट पहुंचाता है और फिर माँ मलम लगाने आ जाती है। नौटंकी है ये सब के सब। बस दीदी बस बहुत हो चुका। गलती करी मैंने यहाँ आकर। मुझे लगा था कि मैं पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करूं, लेकिन नहीं, तुम मेरे बेटे को पहचान ही नहीं पाए। हीरा है मेरा सिद्धार्थ, हीरा। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और तुम्हें तो उससे पहले से ही प्रॉब्लम थी। तुम जैसी औरत के साथ कोई रह नहीं सकता। तुम जैसी औरत ना प्यार के लायक नहीं है। इसीलिए शायद तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला गया। देख लेना जिंदगी में एक दिन इतनी अकेली पड़ जाओगी ना कि कोई पानी तक पूछने के लिए नहीं होगा पास में। आओ ना बैठो ना। नहीं। ये छोड़ छोड़। नहीं नहीं बैठो ना बैठो ना प्लीज। कैसा लगा सब कुछ सिद्धार्थ? मैं रुको, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोशनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आ रहे तुमको। और
ये जो हमारे परिवारों में मनमुटाव है, मैं वादा करता हूँ ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तुम हो ना मेरे साथ, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। इतने वादे कर रहे हो, एक वादा और कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे एक बार पूछ के तो देखो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पिछले 6 महीनों में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है, मैं थक चुकी हूं सिद्धार्थ, एंड आई एम श्योर तुम भी बहुत परेशान हो चुके हो। मैंने हम दोनों के लिए एक फैसला लिया। फैसला? अब भाभी, आज पहली बार सिद्ध की मॉम यहाँ आई थी बातों को सुलझाने के लिए, और हमने उन्हें जो भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया। उस खानदान का काम ही है ये, एक चोट पहुँचाता और दूसरा मलम लिए हुआ घूमता है। लेकिन भाभी, आपको नहीं लगता कि वो सही कह रही थी? सिद्ध कभी ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं तो ये भी तो नजर आ रहा होगा ना कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हाँ, इस तरीके से रिश्तेदारी निभाई जाती है कि अपने ससुराल वालों को लेकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दो। मैंने भी रिश्ते निभाए हैं, वो भी तब जब मेरा पति हम सबको छोड़कर बिना बताए कहीं गायब हो गया था। मैंने अपने पूरे ससुराल वालों का ख्याल रखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, काम किया, उन्हें पाला है। उसने क्या किया हमारे साथ? हमारे पीठ पीछे छुरा भोंककर। I'm sorry भाभी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मैं सिद्ध की साइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिद्ध और रोशनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और किस्मत भी तो उन्हें हमेशा मिलवाती रहती है ना। किस्मत नहीं प्रतिमा, तुम जैसे इडियट्स, तुम और माँ अंधे हो गए दोनों के दोनों। हाँ, हम तो अंधे ही है। भगवान ने आंखें तो सिर्फ तुझे दी है, और गलत क्या कह रही है प्रतिमा? हाँ, तुम दोनों माओं के अहंकार की वजह से आज दोनों बच्चों की यह हालत है। तुम दोनों को तो लगता है तुम दोनों जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी वजह से तुम दोनों के बच्चे घुट घुट कर मर रहे हैं। ग्रेट मॉम, अगर ऐसा है तो ठीक ही है ना। फिर मेरी बेटी के पास दिमाग है और आंखें भी है, उसको नजर आता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। माँ, जो भी है फैसला तो रोशनी को ही लेना है ना। जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो सही फैसला ले रही है। जैसे तू अपनी बेटी को पहचानती है ना, वैसे मैं भी अपनी नाती को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो भी डिसीजन लेगी वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके प्यार के लिए बिल्कुल सही। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।